सो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सैटिन क्रेडिट केयर, जो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। मेरे अच्छे खासे टारगेट इसके अंदर निकल के आ रहे हैं जहाँ तक ये स्टॉक रीच करने की कैपेसिटी रखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छी खासी बढ़िया रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। तो चलिए, इसके एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ और वीडियो में आप बने रहे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस सब कुछ बताता हूँ, स्विंग ट्रेड बताता हूँ, तो आप उसे मिस ना हो जाए। और मार्केट रिलेटेड एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं पूरा रिलेटेड ज्ञान आपको देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई इतनी कोई प्रीमियम सर्विस नहीं। तो दोस्तों, देख सकते हो स्टॉक का चार्ट लगाया हुआ है मैंने मंथली, सैटिन क्रेडिट केयर लिमिटेड, जिसके अंदर अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके बताऊं तो इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मंथली चार्ट है। दोस्तों, इसके अंदर मैं एक ट्रैपिंग लेवल बताऊंगा आपको जहाँ से स्टॉक आने वाले टाइम में मोमेंटम दिखा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट भी हो गई है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये स्टॉक जो है ना, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये ट्रैपिंग लेवल है। जैसे स्टॉक इस लेवल के आसपास जा रहा था, जैसे आप लोग देखोगे इस लेवल के आसपास से जैसे ही जा रहा था तो यहाँ से एक मोमेंटम दिखा रहा था। मैं आपको बताता हूँ वो लेवल, ये देख सकते हो यहाँ पे इसने डबल बॉटम जैसे फॉर्म किया, पूरा एक रेंज बनाया। जैसे इसके अपर साइड में निकला ना दोस्तों, ये स्टॉक के अपर साइड की मोमेंटम अपने कंटिन्यू कर रहा है। अभी आप अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट हर्डल हर्डल कहाँ पे रहने वाला है, तो दोस्तों ये जो इसका हर्डल है ना 200 रुपीज वाला, ये मैं इसके अंदर पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल प्लॉट कर लेता हूँ जहाँ पे अपने को आने वाले टाइम में इसके अंदर टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये इसका एक लेवल है, उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये, और उसके बाद में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये, यहाँ तक कि स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखता है। और बीच में मंथली चार्ट है तो छोटे छोटे लेवल्स पे भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पे हर्डल्स ले सकता है। तो मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर दिए दोस्तों। उसके बाद में अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये फिर से इस रेंज के अंदर गया, एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, सस्टेन करके फिर से अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। और वीकली में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वीकली में सॉरी, इसने क्या किया, यहाँ पे आया एक वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल इसने फॉर्म की है, और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है ये अपर साइड की मोमेंटम करने वाला है। लेकिन अपने को एंट्री कहाँ पे लेना है दोस्तों, ये तो फ्लो में निकल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को करना एंट्री कहाँ पे करना है, ये जो प्लॉट लेवल की है मैंने 125 वाली, ये लेवल, जैसे ये स्टॉक ये लेवल के आसपास आएगा ना, इस लेवल के आसपास हम लोगों को एंट्री का प्लान करना है। और स्टॉप लॉस हम लोगों को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर यहाँ पे हम लोग इस लेवल तक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 101 तक का स्टॉप लॉस हम रखने वाले इसके अंदर। और जो इनिशियल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये लेवल तक तो एक बार रीच करेगा, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करके ये लेवल तक ये जा सकता है। 300 तक के लेवल इसके अंदर मेरे हिसाब से निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। ये स्टॉक की एंट्री यहाँ पे रहने वाली है, स्टॉप लॉस जिस तरीके से मैंने बताया आपको 100 यहाँ पे रहने वाला है, और अपना टारगेट ऑलमोस्ट 305 तक के टारगेट इसके अंदर आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को इसका प्रीवियस बिहेवियर बताऊँ ना दोस्तों, तो ये करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये अपने इम्पोर्टेंट लेवल पे आता है, देख सकते हो इसने एक इतनी बड़ी अपर साइड की मोमेंटम दिखा दी, उसके बाद में इसने क्या किया, एक यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेशन में चला गया, उसके बाद में फिर से इसने एक इतनी बड़ी अपर साइड की मोमेंटम दिखा दी। फिर ये क्या करता है, जैसे ही कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकआउट करता है ना, तो इसके अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। देख सकते हो सपोर्ट तोड़ा, मोमेंटम आए, उसके बाद में इसने कंसोलिडेट किया, फिर ये नीचे आया लेकिन नीचे गिर नहीं सका, वहां पे इसने कंसोलिडेट किया, जैसे ब्रेकआउट किया एक अपर साइड की मोमेंटम दिखा दी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन करते हुए एक फॉलिंग फॉल पैटर्न दिखा दिया, फिर से इसने कंसोलिडेट किया, जैसे इसने अपर साइड निकाला, फिर से इसने एक अपर साइड इतनी बड़ी दिखा दी। ये वीकली चार्ट है, थोड़ा सा आपको होल्डिंग कैपेसिटी तो इसके अंदर बनाना ही पड़ेगा। देख सकते हो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फिर से एक इतनी बड़ी डाउन साइड दिखा दी। अभी मैं दिखाऊँ दोस्तों ना आपको इसके अंदर, तो प्रीवियस पूरा बिहेवियर आप लोग देख सकते हो क्या करता है, कंसोलिडेट ब्रेकआउट ऊपर, कंसोलिडेट ब्रेकडाउन नीचे, फिर से कंसोलिडेट ब्रेकडाउन नीचे आया, नहीं रुका, फिर से ऊपर, कंसोलिडेट ब्रेकडाउन नीचे, फिर कंसोलिडेट ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेट ब्रेकडाउन, पूरा ट्रेंड लाइन के अंदर ही घूम रहा था। इसने ऑलमोस्ट कितने बार इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट किया है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, फेल हो गया। ये सेकंड टाइम इसने यहाँ ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, फोर्थ टाइम ब्रेकआउट के लिए इसने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे फिफ्थ टाइम ये पहले ही घूम गया। अभी अगर मैं आपको आपको बताऊँ, ये सिक्स टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया और अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा है, प्रीवियस स्विंग भी ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब ये स्टॉक अभी कहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अभी ये स्टॉक करेगा क्या, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से क्या करेगा, पुल बैक लेगा, मे बी इस लेवल तक आएगा, और यहाँ से फिर अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक चला जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक
आउट परफॉर्म कर सकता है। इसके अंदर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लग रही है। जो भी स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फॉर स्विंग ट्रेड्स, जो भी इसके अंदर टारगेट निकल के आ रहे हैं ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मैंने प्रीवियसली एक स्टॉक दिया था कैस्ट्रॉल इंडिया, जिसने 20% तक की अपसाइड दिखा दी है। फिर मैंने एक स्टॉक दिया था HDFC लाइफ, उसने ऑलमोस्ट 15% तक की अपसाइड दिखा दी है। फिर मैंने एक स्टॉक दिया था PNB, जो मैंने 38 के लेवल के आसपास दिया था, वो अभी 55 के आसपास ऑलमोस्ट 50% के प्रीमियम पे चल रहा है। फिर मैंने एक स्टॉक दिया था जिसका नाम है L&T फाइनेंस, जिसको मैंने 2 दिन पहले 85 पे दिया था, वो 92 पे चला गया। फिर मैंने एक स्टॉक दिया था लेमन ट्री, जो मैंने ऑलमोस्ट 45 या 50 के रेंज में, 55 के रेंज में दिया था, वो अभी 101 के ऊपर चला गया था। दोस्तों आपको जो भी स्टॉक्स में दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैं स्टॉप लॉस भी डिफाइंड किया था, हर एक चीज जिसके अंदर स्टॉप लॉस डिफाइंड है, और अभी भी वो पूरे ट्रेड्स एक्टिव है, आप जाके देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोज में, उसके अंदर मैंने टारगेट्स अपडेट किए हैं। और जो भी मैं टारगेट्स अपडेट करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, लेफ्ट क्लिक करना, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड अलर्ट करना है, और जो भी अलर्ट आएगी आप लोग उसके बाद में, जो भी आपको अलर्ट आएगी उसके अंदर अलर्ट सेट करके लेवल पे पर्टिकुलर आप लोगों को, उसके बाद में क्या करना है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर समझो ये स्टॉक कितने का है, 125 रुपये का, तो इसके अंदर 1000 क्वांटिटी तो मैं कर सकता हूँ बाय। अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय कर रहे हो इसमें, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आपका, कोई भी मेरा फर्स्ट टारगेट 1:1 से नीचे नहीं है दोस्तों, ये 1:1.5, 1:2 तक का ही टारगेट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ऑलमोस्ट 600 क्वांटिटी बुक कर लूंगा मैं, मतलब मेरे को अभी ये कोई भी हालत में लॉस में तो नहीं देगा। जैसे ये स्टॉक और ऊपर निकलेगा, ये अपना सेकंड टारगेट रहेगा 250, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 200 क्वांटिटी बुक कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास बची कितनी फाइनल 200 क्वांटिटी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा पूरी क्वांटिटी नहीं, सिर्फ 100 क्वांटिटी बुक करूंगा। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके बाद में जब यहाँ पे इसका बिहेवियर देखूंगा और ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे रख दूंगा कहीं ना कहीं नीचे। अगर ये नीचे आया तो ट्रेलिंग एसएल के साथ 100 क्वांटिटी निकल जाऊंगा मैं, और अगर वो नीचे नहीं आया ब्रेकआउट कर दिया तो पूरी राइड एंजॉय करूंगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको आप लोगों को विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, और जो भी मैं क्वांटिटी एग्जिट करूंगा उसके बाद जो क्वांटिटी रहेगी वो ट्रेलिंग एसएल अपना पूरा ग्रीन के अंदर ही रहेगा, रेड में नहीं रहेगा दोस्तों। मैं पूरे एनालिसिस आपको बता चुका हूँ स्टॉक के बारे में, एनालिसिस कैसी लगी मेरे को स्टॉक के कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो के, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके का फ्री में ज्ञान आपको दे रहा हूँ दोस्तों, प्रीमियम ज्ञान दे रहा हूँ, जिस तरीके के आप स्टॉक देख सकते हो ये किस तरीके से इसने बिहेव किया है, और क्या इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी किस तरीके से इसने पीछे से पूरा बिहेव किया, पूरा इसका एनालिसिस मैंने आपको बताया है। अभी इसका क्या बिहेवियर हो सकता है मैंने आपको पूरा प्रीवियसली एनालाइज करके आपको बता दिया है, ट्रैपिंग लेवल के बारे में आपको बताई है, और आने वाले टाइम में मैं मार्केट रिलेटेड सीरीज लूंगा, उसके अंदर मैं पूरा A to Z थिंग्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे कुछ नहीं, तो आप वो सब वीडियो को मिस नहीं कर सकते दोस्तों, उसको आपको पूरा बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।